जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऐसा फेस्टिवल जो हिंदुस्तान में भारत में कभी नहीं हुआ है, इसीलिए हमने इसको 3 दिन का फेस्टिवल प्लान किया है जो कि 26 जनवरी 27 जनवरी और 28 जनवरी को MMRDA ग्राउंड BKC मुंबई में हो रहा है। शुरुआत के बारे में हम बात कर रहे थे, लाइक कि पहले दिन में क्या क्या होने वाला है, कौन सी किस टाइम पे शुरू होगा, कुछ इसके बारे में बताना। जैसा कि आप जानते हैं 26 जनवरी रिपब्लिक डे हमारा, और झंडा रोहन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उत्तन का, हम उससे इसको शुरू करेंगे, और विंटेज कार रैली जो कि मुंबई का बहुत बड़ा हिस्सा है और हम सब जानते हैं कि विंटेज कार हम सबको कितनी चाहत है, उन सब के लिए बहुत पसंद करते हैं, विंटेज कार रैली वहाँ से उससे शुरुआत होगी, और ये कार और बाइक सम 40 विंटेज कार और 50 बाइक्स इसकी रैली करके मुंबई फेस्ट के अंदर आके उसको रखेंगे और आम जनता उसको देख सकती है जो कि नॉर्मल डे में नहीं देख पाती है, तो उन सब के लिए इसकी शुरुआत वैसे होगी। और दिन भर कुछ ना कुछ कल्चरल प्रोग्राम, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा जो कि आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक होने वाला है। अविनाश जी, जैसा आपने कहा कि 50 बाइक निकलेगी रैली, तो उस दिन क्या किस तरह हेलमेट पहन के रहेंगे? रोड सेफ्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा, और हम इसको पूरी तरह से प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों में, मुंबई के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए और पूरी दुनिया के लिए। तो ये बहुत ही बड़ा हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि रोड सेफ्टी को कैसे हम प्रमोट करें और लोग उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकें। जैसे कि हम परेड के बारे में बात करते हैं, दिल्ली में बहुत बड़ी परेड निकलती है, तो यहाँ पे मुंबई फेस्ट में कुछ इस तरह का आयोजन किया गया है, कुछ प्रदर्शन दिखाए जाएंगे? जैसा कि आप जानते हैं मुंबई इन मी इज़ अ थीम, और मुंबई क्या है, मस्तमौला जगह है, सो हम उसको थोड़ा मनोरंजन के साथ कल्चरल परेड को रख रहे हैं, जिसमें कि आपके तरह तरह के ढोल होंगे, कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, और ये परेड एक ऐसी इंटरेस्टिंग परेड होने वाली है जो कि शायद ही कभी किसी ने देखी हो। जैसे प्रोग्राम के बारे में बात करें, कल्चरल प्रोग्राम होंगे, तो क्या यहाँ पे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी आएंगे थोड़ा लाइक एंटरटेनमेंट के लिए, संगीत का किस तरह से होगा? जैसा कि आप जानते हैं मुंबई इन मी, बिना बॉलीवुड के ये मुंबई फेस्ट अधूरा रहेगा, तो कुछ सरप्राइजेस रखना चाहते हैं हम सब आपके लिए, बट सेलिब्रिटीज़ तो इतना आने वाले हैं सपोर्ट करने के लिए कि आप खुद भी देखेंगे वहाँ पे। काला घोड़ा फेस्ट जो होता है, किस तरह से अलग होने वाला है मुंबई? काला घोड़ा फेस्टिवल, जैसा आप सब जानते हैं कि एक आर्ट रिलेटेड फेस्टिवल है, और ये फेस्टिवल जो कि पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा है, जहाँ 7 आइलैंड ऑफ थीम एक ही जगह, सो आर्ट भी एक आइलैंड है जो कि आर्ट के रिलेटेड लोग जितने हैं उनको हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक आर्ट आइलैंड बन रहा है, बट उसके अलावा भी मैं बहुत से आइलैंड आपको बताना चाहूँगा, जैसे बॉलीवुड आइलैंड हो गया, मुंबई का आइलैंड हो गया, फूड आइलैंड जिसको कि हम खाऊ गली का नाम दे रहे हैं, सेंट्रल आइलैंड हो गया, हेरिटेज आइलैंड जो कि मुंबई के बारे में आपको जानकारी देगा कि कैसे मुंबई बना, और ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं जो कि शायद ही आपने कभी इसके पहले देखी होंगी, कुछ पुरानी चीज़ें और कुछ नई चीज़ें, हिस्ट्री एंड मॉडर्न वर्ल्ड का एक एमलगमेशन फर्स्ट टाइम होने वाला है मुंबई फेस्ट। सर, जगह के बारे में बात करें सर, तो लाइक MMRDA ग्राउंड वही जगह जिसके बारे में जानना चाहेंगे? जैसा आप जानते हैं कि हम चाहते हैं पूरे मुंबई से लोग आएँ, और MMRDA ग्राउंड एक ऐसा ग्राउंड है जो कि सेंट्रलाइज लोकेटेड है, और जैसा कि आप सब जानते हैं सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न है हम सब के लिए, हमको सारी रिक्वायर्ड परमिशन एंड सपोर्ट जो सरकार है वो दे रही है, जिससे कि हम सबकी सेफ्टी को भी इंश्योर कर सकें, इसीलिए हमने MMRDA ग्राउंड चूज़ किया है। जैसे साउंड के बारे में बात करें, वो बात भी उठाई गई थी कि समय का किस तरह से उपयोग होगा साउंड के लिए? जैसा प्रशासन का पूरा सहयोग है तो हमें भी उनको सहयोग देना पड़ेगा, और मैंने पहले भी बोला फिर बोलता हूँ, 9:55 का जो टाइम है उसको हम सब फॉलो करेंगे, जिससे कि किसी भी तरह का नॉइज़ पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकें। जैसा आप जानते हैं कि मुंबई की जो एंट्रेंस है, बॉम्बे में आप कैसे एंटर होते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया से एंटर होते हैं, वैसे ही हम उस तरह का कुछ थीम बना रहे हैं कि वो बॉम्बे में जब एंटर हों तो उनको गेटवे ऑफ इंडिया मिले, और कुछ सरप्राइजेस रखना चाहते हैं जब आएंगे तो वो आप सबके लिए बहुत ही मनोरंजक होने वाला है। कुछ अपील करना चाहेंगे ऑडियंस से कि वो आए मुंबई फेस्ट में हिस्सा बने? दोस्तों, आप सबको मैं विनम्र निवेदन से आप सबको इनवाइट करना चाहता हूँ इस फेस्टिवल में, और आप सबको ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसा फेस्टिवल जो कभी हिंदुस्तान में इसके पहले नहीं हुआ है, आप आएँ, इसको सपोर्ट दें, क्योंकि हम सबको पता है कि मुंबई अगर मेरे अंदर है तो आपके अंदर भी है, और उसको सपोर्ट देने के लिए, इस चैरिटेबल फंक्शन को सपोर्ट देने के लिए आप प्लीज़ आइए और अपना सहयोग इसके लिए दीजिए, जिससे हम मुंबई को हर तरह फेमस कर सकें।